नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए के होम्स में। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी प्लॉट का, चाहे वो जिस शेप में हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इरेगुलर, सारे शेप में हम आपको बताएंगे किसी तरह कि आप प्लॉट के एरिए किस तरीके से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको एरिया निकालना आना चाहिए, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो भी सकता है, क्योंकि क्लाइंट आजकल आपको जो प्रॉपर्टी डीलर हैं ऐसे बता दिए कि आपका प्लॉट इतना है और एग्जैक्ट आपको उतना प्लॉट ना हो। इससे बढ़िया आप उसको बेहतर समझ सकें कि आपका प्लॉट कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारा एक प्लॉट। हमने यहाँ के प्लॉट एज्यूम किया है 10 फीट 6 इंच × 20 फीट 3 इंच का एक प्लॉट है रेक्टेंगल शेप में। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे ये आपको हम बताते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप जानते हैं रेक्टेंगल का जो भी सिंपल आप क्या करिए, कुछ मत कर दीजिए, सीधा यल इंटू बी, मतलब यल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का फार्मूला, आपको इसमें नहीं पढ़ना, सीधा आप कर दीजिए 10 फीट × 6 इंच × 20 फीट 3 इंच, सीधा आपको यही लिख देना है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, ये जो 6 इंच है इसको फिट में बदलना होगा। फिट में बदलने के लिए इसको 12 से भाग देना पड़ेगा, भागे 12 हो जाएगा आपका 6 भागे 12 0.5, ये आ जाएगा आपका 0.05। और इसे 3 इंच है उसको भी 12 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.25। ओके, तो अब इसका एक पैरामीटर आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, 10.5 इंच अब फिट में हो गया, 10.5 हो जाएगा। और 20 इंच फिट में है तो इसको भी पॉइंट लिख दीजिएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 10.5 × 20.25 यह आएगा 212.625। ये आपका टोटल एरिया आएगा 212.625 स्क्वायर फीट। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने एक और दूसरा प्लॉट लिया दोस्तों इरेगुलर शेप में। ये हमारा क्या है, एक तरफ 10 फीट है, दूसरा तरफ 20 फीट है, एक तरफ 15 है और इधर ट्राइंगल शेप में कुछ बन रहा है। अब इसमें आप कुछ मत करिए दोस्तों, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले लीजिए, ये ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ले लीजिए। अब क्या है कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम हो गई, यहाँ तक आके इसकी लेंथ सेम हो गई, ये हो गया आपका 10 फीट। ये वाला एरिया बचा, ये 20 फीट टोटल है, यहाँ से 10 फीट इधर हो गए, 10 फीट ये बचे हुए हैं, ये 10 फीट बचा। ये 15 फीट है तो ये वर्टिकल भी आपका 15 फीट रहेगा। अब यहाँ पर दो शेप आपके बन रहे हैं, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। इसमें आप कुछ मत करिए इस तरीके के लिए, सेम रेक्टेंगल वाले में 10 × 15 इस रेक्टेंगल के एरिया निकाल लीजिए, ये रेक्टेंगल एक एरिया निकाल लीजिए और इस ट्राइंगल के एक एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। प्लस ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस, बेस ये बेस हो गया, ये बेस 10 × हाइट 15 ये हो गया आपका। तो यहाँ से जब इसको मल्टीपल करेंगे 10 × 15 मतलब 150 प्लस 1/2 × 10 × 15 मतलब 150 50। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 75 या 150, टोटल हो जाएगा 225 स्क्वायर फीट। ये आपका टोटल एरिया इस तरीके के आ जाएगा। ये आप किसी भी तरीके से आपका देख सकता दे सकता है दोस्तों, इस तरीके से भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है, या फिर ट्राइंगल शेप में दे सकता है, या फिर आपका जो भी प्लॉट है कुछ तरीके से ऐसे भी हो सकता है। ऐसे ट्राइंगल शेप में अगर इस तरीके से दिया तो एक रेक्टेंगल हो जाएगा, दो ट्राइंगल हो जाएंगे, जैसे हाफ बेस इंटू हाइट और ये एल इंटू बी, सेम इसी फार्मूले से निकल जाएगा। इसी तरीके से आप टोटल किसी भी प्लॉट का आप एरिया निकाल सकते हैं। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका इंच में पैरामीटर है तो इसको आप फिट में जरूर कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे जैसे मान लीजिए 10 3 इंच है, 10 फीट 3 इंच है, तो यहाँ 10 पॉइंट या 3 इंच को फिट बदलने के लिए 3 भागे 12 कर दीजिएगा, तब हो जाएगा 10.25। इसको जब इतना भाग देंगे तो आपका 0.25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लॉट का आप जो एरिया निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।